चुनाव से पहले ममता सरकार को बड़ा झटका। हाईकोर्ट ने रद्द की 24,000 स्कूल टीचर्स की भर्ती। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला ममता बनर्जी के लिए बना फांस। शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग पैनल द्वारा की गई स्कूल शिक्षक भर्ती रद्द कर दी है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2016 का पूरा जॉब पैनल ही रद्द कर दिया है। इसके साथ लगभग 24,000 नौकरियां हाईकोर्ट ने रद्द कर दी, यानी 24,000 शिक्षकों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। इस भर्ती में 5 से 15 लाख रुपए की घूस लेने तक का आरोप है। इसके अलावा कोर्ट ने शिक्षकों को जो वेतन दिया गया था उसे भी लौटाने का आदेश दिया है। कोलकाता हाईकोर्ट के जस्टिस देवांशु बसाक की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने स्कूल सेवा आयोग की ओर से 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं में ग्रुप सी और ग्रुप डी में की गई सभी नियुक्तियों को अवैध ठहराया है। कोर्ट ने इन लोगों को 4 हफ्ते के अंदर 12% ब्याज के साथ पूरा वेतन लौटाने का आदेश दिया है। इसके लिए कोर्ट ने जिला अधिकारियों को पैसे वसूलने के लिए 6 सप्ताह का समय दिया है। हाई कोर्ट ने स्कूल सेवा आयोग को दोबारा से नई नियुक्ति शुरू करने का निर्देश भी दिया है। साथ ही कोलकाता हाई कोर्ट ने साफ किया है कि मामले में सीबीआई की जांच जारी रहेगी और वो पूछताछ के लिए जिसे चाहे हिरासत में ले सकती है। हाई कोर्ट ने 24,000 कैंडिडेट्स की ओएमआर शीट को दोबारा जांचने के भी निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि ये घोटाला साल 2014 का है, तब पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन ने पश्चिम बंगाल में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती निकाली थी। भर्ती प्रक्रिया 2016 में शुरू हुई थी, उस वक्त पार्थ चैटर्जी शिक्षा मंत्री थे। इस मामले में गड़बड़ी की कई शिकायतें कोलकाता हाईकोर्ट में दाखिल हुई थी। याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि जिन उम्मीदवारों के नंबर कम थे उन्हें मेरिट लिस्ट में सबसे ऊपर जगह मिली है। इतना ही नहीं, कुछ शिकायतें ऐसी भी थीं जिनमें कहा गया था कि कुछ उम्मीदवारों का मेरिट लिस्ट में नाम ना होने पर भी उन्हें नौकरी दे दी गई। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि कुछ ऐसे भी उम्मीदवारों को नौकरी दी गई जिन्होंने TET परीक्षा भी पास नहीं की थी, जबकि राज्य में शिक्षक भर्ती के लिए TET की परीक्षा पास होना जरूरी है। इसी तरह से राज्य में 2016 में SSC द्वारा ग्रुप डी की 13,000 भर्ती के मामले में शिकायतें मिली थी। हाई कोर्ट ने इन सभी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए CBI जांच के आदेश दिए थे। इसके बाद ED ने शिक्षक भर्ती और कर्मचारियों की भर्ती के मामले में मनी ट्रेल की जांच शुरू की थी। CBI ने इस मामले में बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी से पूछताछ भी की थी। यही ED ने साल 2022 को पार्थ चैटर्जी के ठिकानों समेत 14 जगहों पर छापेमारी की थी। पार्थ चैटर्जी के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान ED को अर्पिता मुखर्जी की प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले थे। जब पार्थ चैटर्जी से अर्पिता की पहचान पूछी गई, वो पार्थ ठीक से जवाब नहीं दे पाए। इसके बाद ED के रडार पर पेशे से मॉडल अर्पिता मुखर्जी भी आ गई। जब ED ने अर्पिता के फ्लैट पर छापा मारा तो करीब 21 करोड़ रुपए कैश, 60 लाख के विदेशी करेंसी, 20 फोन और कई जरूरी डॉक्यूमेंट्स मिले, जिसके बाद 24 जुलाई 2022 को ED ने अर्पिता और पार्थ को गिरफ्तार कर लिया। वहीं अर्पिता से दूसरे दौर की पूछताछ में ED को उसके दूसरे ठिकानों की जानकारी भी मिली, जहां छापेमारी में ED को अर्पिता के घर से 27.9 करोड़ रुपए कैश, 4.31 करोड़ रुपए का गोल्ड मिला। इसमें 1-1 किलो की 3 सोने की ईंटें, 0.5 किलो के 6 सोने के कंगन, सोने के पेन और कई गोल्ड की ज्वेलरी शामिल हैं। वहीं कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश पर जांच कर रही CBI और ED की जांच में प्रसन्ना राय का नाम भी सामने आया, जो पूर्व शिक्षा मंत्री और घोटाले के आरोपी पार्थ चैटर्जी का रिश्तेदार भी है, जिस पर भर्ती घोटाले में दलाली का आरोप है। आरोप है कि प्रसन्ना भर्ती घोटाले में बिचौलिए के रूप में काम कर रहा था, जिसने नौकरी दिलाने के बदले लोगों से करीब 100 करोड़ से ज्यादा रुपए की वसूली की। जिसके बाद पिछले साल दिसंबर में ED ने शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में कोलकाता में चार्टर्ड अकाउंटेंट, व्यापारियों, इसके साथ कई लोगों के घर और ऑफिस पर भी छापेमारी की थी। कोलकाता हाईकोर्ट से 24,000 भर्ती रद्द होने के बाद याचिकाकर्ताओं में जहां खुशी का माहौल है, वहीं पहले से नौकरी पाए लोग बेहद निराश हैं। हालांकि अब इस मामले में अब बंगाल सरकार का कहना है कि वो हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।
बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।